कोरोना वायरस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को संबोधन करने के बाद बाजार में जरूरी वस्तुओं की किल्लत को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल के बाद कहा, यूं तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पीएम मोदी के साथ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी के राष्ट्र को संबोधित करने के बाद बाजार में आग लग गई है। रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं बाजार से गायब हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जो सामान बचा भी है उनके दाम आसमान छूने लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर भी दुकानों से गायब हो गया है, दुकानदारों ने इनकी जमाखोरी शुरू कर दी है। कांग्रेस के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार कोरोना को लेकर उसको रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने जो सुझाव दिए उनका राष्ट्रहित में सम्मान होना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने बाजार में जरूरी वस्तुएं गायब होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं, विपक्ष बेवजह की भ्रांति न फैलाए। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। और अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर कोशिश करें कि घर में रहें, जो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लगातार हमें स्वस्थ रखने की, उनका भी यहाँ पर सहयोग किया जाए, लेकिन विपक्ष ने उस दौरान तो साथ दिया, लेकिन अब सवाल ये कि बाजारों में आग सी लग गई है और सब कुछ खत्म सा हो रहा है। जी बिल्कुल, दो वजह है। एक तो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, उसके बाद लोग सक्रिय हुए, मार्केट पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा राशन खरीदने की कोशिश करने लगे। हालांकि जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि वो अपने महीने का जो राशन है वही ले जा रहे हैं, ज्यादा नहीं ले जा रहे। लेकिन दूसरी बड़ी चीज की दिल्ली सरकार के द्वारा जब मॉल बंद कराए गए तो ऐसे में जो लोग मॉल से सामान खासतौर पर लेते, जबकि साफ तौर पर कहा गया है कि खाने पीने की चीजें और अन्य सामान जो है जरूरी सामान वो मिलता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों पे असर नहीं हुआ। और ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि कई जगह दुकानों पे भीड़ देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक की कमी जो है वो दुकानों को उस तरह से नजर नहीं आई, इक्का दुक्का चीजों को छोड़ के, लेकिन लोगों पे इसका असर जरूर पड़ा है कि प्रधानमंत्री के अनाउंस के बाद हो सकता है कि इस तरह की चीजें हों, तो लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि इस तरह की चीजें हों कि सामान की कमी हो पड़ जाए, और यही एक वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करना चाहते हैं। लेकिन अमित, ये बताइए, सैनिटाइजर और मास्क का जिस तरह से जिक्र वहां पर प्रकाश जावड़ेकर ने किया, कहा कि सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन अगर कहीं उपलब्धता नहीं है, कहीं पर उपलब्धता है नहीं, और अगर कहीं है तो वो दोगुने या तिगुने दामों में बिक रहे हैं, क्या उसको लेकर सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो पूर्ति है वो पूरी की जा रही है, और दाम को लेकर अगर कहीं पर कुछ संशय लगता है तो उसे करेक्ट किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने कल अहम डिसीजन लिया है। खासतौर पर अगर हम 2-ply मास्क की बात करें तो उसकी कीमत 8 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि 3-ply मास्क की कीमत 10 रुपए निर्धारित की गई। यहां तक कि जो सैनिटाइजर है 200 ml के का सैनिटाइजर जो है वो मैक्सिमम 100 रुपए में मिलेगा। बाकायदा सरकार ने इसके लिए कई चीजों में ढील दी है, और यहां तक कि जो सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली कंपनियां उन्हें ट्रिपल शिफ्ट में काम करने के आदेश दे दिए गए हैं, और वहां पे इस तरह से ट्रिपल शिफ्ट में यानी 3 शिफ्ट में काम होने लगा है। तो ऐसे में जो मार्केट की किल्लत जिस तरह से लगातार मास्क और सैनिटाइजर को लेकर मारामारी थी वो जल्द खत्म होने वाली है, सरकार इसे लेके गंभीर एक्शन लिया है। जी लेकिन जिस तरह से अमित आप पहले भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि कुछ मॉलों को लेकर जिस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, ऐसी अफवाह भी बीच में थी कि शायद 10 से 1 हफ्ते के अंतराल में शायद तमाम जो बाजार हैं उनको भी यहाँ पर बंद किया जाए। हालांकि लोगों से पैनिक ना होने की यहाँ पर अपील प्रधानमंत्री मोदी के जरिए की गई है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो आखिरकार लोग क्यों यहाँ पर अपने घरों में फिर खाने की जो पूर्ति है वो पूरी ना करें? इसको लेकर जो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है वो तो यहाँ पर दूर करनी होगी सरकार को, क्योंकि जिस तरह से आप भी एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं, कोई कुछ लोगों से बातचीत की है, भले ही उनके घरों में सामान हो लेकिन फिर भी बैंक करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री ने की है, लेकिन लोग जो है अदरवाइज चीजों को लेते हैं और जगह जगह भ्रम भी फैलाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा तो इसलिए लेकर कोई ना कोई बात होगी।
हो सकता है आने वाले दिनों में सामान कम पड़ जाए, और यही वजह है कि लोगों के अंदर, लोग जो है खासतौर पे जो मॉल्स खुले हुए थे उनमें जो बाकी दुकानें थी वहां पे सामान का स्टॉक करने के लिए लग गए। और लॉकडाउन की जो बात कही गई है, खासतौर पे अगर हम बात करें दिल्ली के साथ साथ अन्य इलाकों की बात करें, तो जो लॉकडाउन की बात की गई है तो उसे लेके भी लोगों में भ्रम की स्थिति है। लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाएगा और ऐसे में कोई सामान नहीं मिलेगा, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ऐसे में उन्हें खाने पीने के सामान या अन्य चीजें उन्हें लेके दिक्कत होगी। जबकि सिर्फ संडे को लॉकडाउन की बात की गई है, और वो भी लॉकडाउन जो बात की गई वो स्वतः लॉकडाउन की बात की गई। हालांकि उसे एहतियात के तौर पर, चाहे ट्रेन की बात की जाए, बस की बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, सभी बच्चे बंद रहेंगी, लेकिन एक दिन की स्थिति को एक दिन की स्थिति को लेकर लोगों के अंदर भ्रम है, और इस भ्रम की वजह से चाहे मार्केट हो या अन्य सामान हो, न सिर्फ महंगा हुआ है, लोगों की ज्यादा से ज्यादा मांग बढ़ी है और इस मांग की वजह से महंगा हुआ है। जी बिल्कुल। और अगर व्यापारी वर्ग की यहाँ पर अमित हम यहाँ पर बात करें तो उनमें किस तरह की स्थिति है, क्योंकि बंद लगातार कई जगहों पर आदेश जिस तरह के दिए गए हैं, निर्देश जिस तरह के दिए गए हैं उसके तहत बंद किए जा रहे हैं, नुकसान भी इससे पहले हमने देखा कि कितना व्यापारी वर्ग को हुआ है, ऐसे में हाल हर तरफ हम देख रहे हैं कि बेहाल ही नजर आ रहा है। देखिए, नुकसान सिर्फ व्यापारी वर्ग, छोटे व्यापारियों, बड़े व्यापारियों, यहाँ तक रेहड़ी पटरी वाले जो है उन लोगों को भी हुआ है, और रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा, अगर हम दिल्ली की बात करें, जो साप्ताहिक मार्केट लगती थी अलग अलग जगह पे, तमाम मार्केट लगती थी खासतौर पे, तो वो मार्केट बंद हो गई है, और ऐसे में चाहे वो सब्जी की बात करें या अन्य खाने पीने की बात करें, जो मार्केट लोग सस्ते दामों पे लेके आते थे, तो ऐसे में मार्केट का ना लगना कहीं ना कहीं उन्हें उन चीजों को मिलने में दिक्कत हो रही है। और जो कुछ लोग उन चीजों को बेच रहे हैं, खासतौर सब्जियों की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, तो वो फिर महंगे रेट मिल रही है, क्योंकि उतनी क्वांटिटी वहां पे मार्केट में जो दिखती थी वो रोड पे नहीं दिख रही है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग जो है, लोगों को दिख रहा है कि सामान नहीं मिल रहा है, कैसे चीजें महंगी हो रही है, आने वाले दिनों में और महंगी हो सकती है, और यही वजह है कि लोग जो है अपने आप को कहीं ना कहीं ज्यादा पैनिक महसूस कर रहे हैं। हालांकि सरकार से लेके लगातार, सरकार या मीडिया के बात करें, लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें देश में अवेलेबल हैं। चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।